तो भाई YouTube वीडियो को बेहतर बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है अच्छे अच्छे म्यूजिक्स की, जिनको आप बैकग्राउंड में यूज कर सके, या फिर बढ़िया बढ़िया साउंड इफेक्ट की। अब दिक्कत ये आती है कि अगर आप कोई भी म्यूजिक या साउंड इफेक्ट यूज करते हैं अपनी वीडियोस में, तो आपको मिल जाता है भाई साहब कॉपीराइट क्लेम, और आप उस वीडियो से जितना भी रेवेन्यू कमाते हैं वो सारा रेवेन्यू चला जाता है म्यूजिक ओनर के पास। ऐसे में लोगों की एक दिक्कत रहती है कि ऐसा म्यूजिक कहां से ले, ऐसे साउंड इफेक्ट कहां से ले कि जिस पर कोई कॉपीराइट क्लेम ही ना आए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि आपको कैसे कॉपीराइट फ्री म्यूजिक मिलेगा, कैसे साउंड इफेक्ट मिलेगा, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, जिससे आपको जिंदगी में कभी भी कोई भी कॉपीराइट क्लेम देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं हम कंप्यूटर पर, बाकी आप इसे मोबाइल पर भी कर सकते हैं। देखिए वैसे तो मैं बता दूं बहुत सारी वेबसाइट से जहां से आपको इस तरह के जो है साउंड इफेक्ट या फिर म्यूजिक मिल सकते हैं। जैसे अब ये पिक्साबे साइट है, ये बहुत पॉपुलर है। अब यहाँ पे देखिए ऑल इमेज है, फोटोज है, इलस्ट्रेटर है, वेक्टर्स है, यहाँ पे म्यूजिक भी आपको मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए म्यूजिक मिल जाता है, यहाँ पे आप जैसे म्यूजिक सर्च करेंगे किसी भी तरीके का, मान लीजिए आपको सपोज कोई रोमांटिक वीडियो बना रहे हैं, या मान लीजिए मोटिवेशनल बना रहे हैं सपोज, क्योंकि मोटिवेशन के अंदर तो ज़्यादा ही होता है, मोटिवेशनल म्यूजिक डालना है, मोटिवेशनल म्यूजिक क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए मोटिवेशनल जो म्यूजिक है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। इमेज की जगह हम यहाँ पे बस म्यूजिक सेक्शन में हमें जाना है। अब यहाँ पे देखिए म्यूजिक मिल गया, आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसके बारे में पढ़ लेना है, ये पढ़ लेना है आपको कि कहाँ का यूज कर सकते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि इस तरह के जो म्यूजिक होते हैं ना पिक्साबे के, उनमें कई बार आपको क्लेम देखने को मिल जाता है। हालांकि पिक्साबे के म्यूजिक आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके हर म्यूजिक का आपको लाइसेंस वगैरह को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि इन पर भी क्लेम देखने को मिलता है। तो अब अगर म्यूजिक यहाँ पे आपको ऐसा मान लो कोई पसंदीदा नहीं मिलता है तो फिर कैसे ले, तो वो मैं आपको बताता हूँ। वहां पे आप आ जाइए अपने YouTube चैनल पे, YouTube चैनल के अंदर जब जाएंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे राइट साइड में एक ऑडियो लाइब्रेरी मिल जाएगी। अब ये जो ऑडियो लाइब्रेरी है ना, इसके बारे में जानते बहुत लोग हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना नहीं आता, और इसको भी यूज करने के बाद कई बार क्लेम वगैरह आपको देखने को मिलता है या आपको ढंग की चीजें नहीं मिलती। तो उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे ये ऑडियो लाइब्रेरी है, इस ऑडियो लाइब्रेरी को आपने यहाँ पे ओपन कर लिया, यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको म्यूजिक भी मिल जाएगा और आपको साउंड इफेक्ट भी मिल जाएगा। और ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, इसके बारे में लोग कम जानते हैं, ये है स्टार्ड का, यानी कि जो आपको स्टार आप कर देते हैं, इसके बेनिफिट बहुत है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, आपको बता दूं कि दो तरह के लाइसेंस मिलेंगे। यहाँ पे आप देखिए सर्च फिल्टर लाइब्रेरी, यहाँ पे दो तरीके के जो है लाइसेंस है, एक है भाई साहब एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड और एक है एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, जिस पर एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड है उसको आप डाउनलोड करके किसी भी तरीके से अपनी वीडियो में कहीं भी किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डाल के यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है उसमें आपको क्रेडिट देना ही पड़ेगा, मैं आपको सिखाता हूं अगर वो वाला यूज करना है तो आप क्रेडिट कैसे देंगे जिससे आप क्लेम से बचे, वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि आप चाहें तो आप टाइटल ट्रैक अगर याद है, या फिर कोई भी जोनरा मूड या आर्टिस्ट का नेम याद है, ड्यूरेशन, उसके हिसाब से यहाँ पे फिल्टर करके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, और साउंड इफेक्ट वाली अगर मैं जाता हूँ इस वाली लिस्ट में, तो साउंड इफेक्ट के भी आपको काफ़ी सारे जो है साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, जैसे मान लीजिए म्यूजिक में मैं गया, अब मुझे मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ ऐसे म्यूजिक देखने जिन पे कोई क्रेडिट नहीं देना है, तो एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड पे मैं क्लिक कर दूंगा और फिल्टर होके जितना भी म्यूजिक आएगा इस पर मुझे कोई एट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा। लाइसेंस टाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाइसेंस टाइप पे लिखा हुआ है, यू कैन यूज दिस ऑडियो ट्रैक इन एनी ऑफ योर वीडियोज इंक्लूडिंग वीडियोज दैट यू मोनेटाइज, नो एट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी वीडियो में इसको यूज करो, उस वीडियो को मोनेटाइज भी कर लो, कोई एट्रीब्यूशन वगैरह नहीं देना, नहीं क्रेडिट वगैरह कुछ नहीं देना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी क्लेम नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये म्यूजिक है, इसको यहाँ पे सुन के देखना है मुझे, तो यहाँ सुन लीजिए, ये पसंद नहीं आया अगला देख लीजिए, जो भी पसंद आए उसके सामने आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। डाउनलोड के ऑप्शन में जाके डाउनलोड हो गया, लेकिन मान लीजिए आपको अभी डाउनलोड नहीं करना, आपको अभी लिस्ट बना लेने की, अरे मैं ये मेरे म्यूजिक फेवरेट है, तो बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे उनको यहाँ पे स्टार कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये वाला म्यूजिक मुझे चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे स्टार पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो स्टार है फिल हो गया है। अब यहाँ पे जो स्टार्ट का जो यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर आप जाएंगे तो ये म्यूजिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये मैंने सारे स्टार कर रखे हैं, यानी आपके फेवरेट म्यूजिक है उनकी एक लिस्ट बन जाएगी, जो आपकी जो आईडी से जो चैनल आपने लॉगिन कर रखा है उस पर हमेशा रहेगी।
तो आपको बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही आप साउंड इफेक्ट को भी यूज कर सकते हैं। अब बात आती है भाई साहब अट्रीब्यूशन देने की, तो यहाँ पे देखिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप सर्च में जाएंगे, अट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड में जाएंगे। अब जब अट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड में जाएंगे तो भी मैं आपको लाइसेंस टाइप दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि ये एक क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के साथ है। यू कैन यूज दिस ऑडियो ट्रैक इन एनी ऑफ योर वीडियो इंक्लूडिंग वीडियोस दैट यूर मोनेटाइज, हाउएवर मस्ट इंक्लूड एट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे ये है कि आपको एट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी क्रेडिट देना पड़ेगा, भले ही आपकी वीडियो मोनेटाइज हो वो क्लेम नहीं आएगा। अब वो देते कैसे, तो व्यू डिटेल्स में जाएंगे आप। मान लो अगर यही वाला म्यूजिक चाहिए, व्यू डिटेल में गए और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये जो है ना इसको कॉपी कर लेंगे हम, यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको डाल दीजिए, तो आपने उनको क्रेडिट दे दिया, तो भी आपको कोई भी किसी तरह का क्लेम देखने को नहीं मिलेगा। और ये एक सही तरीका है जिससे आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट यूज कर सकते हैं और आपको किसी भी तरह का क्लेम देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो में मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह की वीडियोज मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।